वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज तो कुछ स्पेशल है, चलो आपको मैं एक हिंट देती हूँ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एग्जैक्टली, आज है जन्माष्टमी, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर मैं सोच रही थी आपको कौन सी कहानी सुनाया जाए। पहले मैंने सोचा माखन चोरी, मैंने बोला आप सबको पता होगा। फिर मैंने सोचा कि बाल लीलाएं, मैंने बोला वो भी आपको पता होगा। कंस वध, वो भी पता होगा। फिर क्या किया जाए, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कहानी जिससे आपको शिक्षा मिलेगी कि जो भी आप करते हैं वो अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कर्म देख के कीजिए। अच्छे कर्म करेंगे अगले जन्म में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छे फल मिलेंगे उस चीज़ के। अगर बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। तो चलते हैं कहानी की ओर। तो कहानी शुरू होती है विष्णु जी के सातवें अवतार श्री राम से। अब आप सोच रहे होंगे जन्माष्टमी तो कृष्ण के बारे में, तो भला मैं सातवें जन्म में क्यों जा रही हूँ विष्णु जी के, मुझे तो आठवें जन्म में होना चाहिए, मुझे तो श्री कृष्ण के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं श्री कृष्ण से शुरू करती हूँ आज की बात। तो आपको पता होगा श्री कृष्ण की दो माएँ थीं, यशोदा और देवकी। देवकी उनको जन्म देने वाली माँ थी और यशोदा मैया ने कृष्ण का पालन पोषण किया था, राइट। तो जब वो कंस वध करके वापस अपने देवकी माता से मिलने आते हैं तो देवकी उनसे पूछती है कि हे श्री कृष्ण, तुम तो भगवान हो, तुम तो स्वयं नारायण हो, तो तुमने 14 साल का इतना लंबा इंतज़ार क्यों किया। तो श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही मैं श्री हरि नारायण हूँ, आपका पुत्र इस जन्म में श्री कृष्ण हूँ, पर मेरा भी कुछ नाता है, मुझे भी आपके कर्मों का फल आपको देना ही था। वो देव की माता को लेके जाते हैं श्री राम के अवतार में। वो कहते हैं कि जब मैं श्री राम बनकर धरती पर अवतरित हुआ था तब आप मेरी कैकेयी माता थी। आपने राजा दशरथ से एक वरदान मांगा था कि श्री राम को वनवास भेजा जाए ताकि भरत को इस सिंहासन पर बैठाया जाए, वो अयोध्या का राजा बने। तो आपने मुझे मेरी माँ कौशल्या से 14 साल तक दूर रखा, मेरी कौशल्या माता को 14 साल तक पुत्र प्रेम से दूर रखा, तो इसीलिए इस जन्म में आपको वो 14 साल अपने पुत्र के बिना जीने पड़े ताकि कौशल्या माता, जो मेरी इस जन्म में यशोदा माता है, उन्हें पुत्र प्रेम मिल सके और मुझे भी उनके साथ रहने के वो पल वापस मिल सके। तो ये है कर्मों का फल। आपने देखा कि कैसे ही पिछले जन्म में जो कैकेयी माता थी, जिन्होंने एक माँ को और पुत्र को अलग किया था, उन्हें इस जन्म में खुद अपने पुत्र से, उसके पुत्र प्रेम से वंचित रहना पड़ा पूरे 14 सालों तक। तो ये है इन दोनों अवतारों की जुड़ी हुई कहानी कि कैसे आपस में जुड़े हैं ये दो अवतार। आशा है कि आप अपने अच्छे कर्म करते रहेंगे और इसी के साथ आपका अगला जन्म भी शुभ हो, ये जन्म भी शुभ हो। इसी कामना के साथ हम आज का ये ब्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।